ये डर है यूपी पुलिस के एनकाउंटर का, या यूं कहें कि बुलडोजर बाबा के दोबारा सत्ता में आने का। तभी तो 50,000 का इनामी बदमाश, जिसको पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट रहे थे, उसने खुद ही थाने में आकर सरेंडर कर दिया। मामला यूपी के जौनपुर का है, जहां ये बदमाश खुद ही अपने सारे गुनाह कबूल रहा है। ये खुटहन से मेरे ऊपर एक 302 का 120 भी है और एक करौदी थाने जिला सुल्तानपुर से मेरे ऊपर 386 387 का मुकदमा है। कोर्ट भी सरेंडर कर सकते थे, लेकिन पुलिस में क्यों आए? सर, हमको डर लग रहा था कि न्यायालय गेट से भी उठाया जा सकता है। इनकाउंटर का डर आपको? जी जी का, बुलडोजर का? जी जी, दोनों का। आपके ऊपर इनाम कितना है? 50,000 का। 50,000 का जी। जरायम की दुनिया में कब से हैं? सर, हम ना कोई अपराधी थे, ना हैं, ना रहेंगे सर। तो ये मुकदमे कैसे 50,000 रुपए तक इनाम हुआ? सर, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया। इस इनामी बदमाश का नाम रवि तिवारी उर्फ वीर तिवारी बताया जा रहा है और इसके खिलाफ जौनपुर और सुल्तानपुर जिले के करीब 17 मामले दर्ज हैं। मामले में इस बदमाश का कहना है कि पुलिस उसके घर में बार बार दबिश दे रही है, साथ ही कई बार बुलडोजर लेकर भी पहुंची थी, लिहाजा कार्रवाई के डर से उसने सरेंडर कर दिया। वहीं इनामी बदमाश के सरेंडर करने से आला अधिकारी भी हैरत में हैं। उधर ऐसा ही मामला मैनपुरी में भी देखने को मिला, जहां एनकाउंटर के डर से दो बदमाश पुलिस स्टेशन सरेंडर करने पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने हाथ में तख्ती पकड़ी हुई थी, जिसमें लिखा है, हम लुटेरे हैं, हमें जेल भेजो। बता दें कि सीएम योगी के गुंडों और बदमाशों पर नकेल कसने के ऐलान के बाद से ही यूपी में गुंडों और बदमाशों के मन में बुलडोजर बाबा के एक्शन का खौफ बैठ गया है। वहीं इलाकों में पुलिस वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी और उन्हें दबोचने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। शायद यही वजह है कि अपराधी खुद ही आकर थाने में सरेंडर करने को मजबूर हैं।